अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की पहली तारीख है। ये पायरा का था कि हेज जो कि ड्राइव के इस सिरे पे है, इस पे सुरख बैरी लगती है जो कि परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। गर्मियों के आगाज़ में मैंने एक बहुत ही छोटे से खूबसूरत परिंदे को देखा जो कि अपनी चोंच में खुराक भर के तो कहीं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था। मैंने मुख्तलिफ औकात में इन टहनियों पे उसे बैठे हुए देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसके बच्चे हैं और कहीं इसी एरिए में उसने घोंसला बनाया हुआ है। तो बाद में मुझे पता चला कि वो घोंसला यहाँ है। अभी मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं इस बाड़ के करीब आया हूँ जिस पे ये सुरख बैरी लगी हुई है और झाड़ी के दरमियान में छुपा हुआ वो परिंदे का घोंसला है। घोंसला इस वक्त खाली है लेकिन ये बहुत महफूज जगह है छुपी हुई। ये इस कांटेदार झाड़ी के दरमियान में जहाँ पे ये नज़रों से भी ओझल है और किसी भी चीज़ की रसाई भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इस झाड़ी पे बहुत से कांटे हैं। तो ये काफ़ी महफूज जगह है। बच्चे घोंसला छोड़ के जा चुके हैं लेकिन उस नन्हे से परिंदे को मैंने हाल ही में यहाँ पे इस जगह के करीब कई दफ़ा मुंडलाते देखा है।
तो अभी मैंने कुछ पुरानी लकड़ियां इस्तेमाल करके उस परिंदे के लिए एक छोटा सा ये घर बनाया है। वो परिंदा बहुत ही छोटा और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है वो बर्ड हाउस, जहाँ जहाँ लकड़ी की कटाई की गई थी उसके बैरूनी हिस्सों को मैंने ये सिलिकॉन से सील कर दिया है। और इसके बनाने में यहाँ के मौसम का ख़ास ख्याल रखा गया है। और ये साइडों पे हवा के लिए जगह दोनों अतराफ में काफ़ी जगह छोड़ दी गई है, ताकि गर्मियों और सर्दियों के मौसम में ये बाहर से ताज़ा हवा की आमदोरफ्त भी रहे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि आंधी या तेज़ हवा की सूरत में हवा सीधी ये अंदर नहीं जाएगी। इसमें ये घास फूस डाल दिया गया है। और इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि बारिश की सूरत में जो अगला हिस्सा है ये इस सतह से नीचे रखा गया है, ताकि पानी अगर यहाँ पे बारिश हो तो वो पानी सीधा नीचे जाएगा, बजाय इसके कि वो घोंसले के अंदर घास फूस को वो मुतासर करे। तो ये चार स्क्रू खोलने से ये अगला हिस्सा अलहदा किया जा सकेगा और इसकी सालाना सफाई वगैरह भी की जा सकेगी। इस बर्ड हाउस को बनाते हुए मैंने एक बात का ख़ास ख्याल रखा है, वो था ये सुराह। इसका साइज़ छोटा इसलिए रखा गया है ताकि कोई बड़ा परिंदा इसे बेदखल ना कर सके। एक चीज़ मैं चाहता था जो मुझे नहीं मिल सकी, ये परिंदे के बैठने के लिए सपोर्ट बनाई गई है, और मैं ये चाहता था कि कोई कोई चीज़ ऐसी मिले कि वो छोटी सी जो चिड़िया है उसके बैठने से तो ये कायम रहे, लेकिन कोई बड़ा परिंदा अगर यहाँ इस पे आके बैठे तो वो उसके वजन से नीचे चली जाए और परिंदे को वो जगह छोड़नी पड़े। लेकिन मुझे वक्ती तौर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, तो मैंने ये छोटी सी उसके लिए सपोर्ट बना दी है बैठने के लिए। इसके ऊपर मैं कोई कवर चढ़ा दूंगा। और इसी घोंसले को ज़्यादा महफूज बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ये इस मटेरियल की तह चढ़ा दी है। चूँकि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बारिश का पानी परिंदे या उसके बच्चे या घोंसले को भी मुतासर ना करे, और इसमें हवा की आमदोरफ्त भी हो और मौसम से बचत की। ये है उसकी फाइनल शेप। और फिर ऊपर से बारीक तार के ये दो बंधन भी डाल दिए गए हैं, ताकि बर्ड हाउस को तेज़ हवाओं और बारिश से महफूज रखा जा सके। अभी परिंदे के लैंड करने के लिए ये एक ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा आरामदेह जगह होगी। जिस जगह पे उसका घोंसला है उसके गिर्दोनवा में मैं कोई महफूज जगह देख के तो उसे दीवार के साथ लगा दूंगा। और सबसे मुश्किल मरहला होगा परिंदे को ये बताना कि ये तुम्हारे लिए घर बनाया गया है। और ये है बर्ड हाउस की जगह जहाँ पे इसे नस्ब किया गया है, जो कि घोंसले से 4 या 5 फुट की दूरी पे है। अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त अहबाब
और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।